हाय फ्रेंड, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीस के विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। देखिए, कोई भी खेल हो उसके खिलाड़ियों की संख्या हम आज जान लेंगे, यानी उसमें कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम से। ठीक है, एक दल से कितने खिलाड़ी खेलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, मेरे ही कोचिंग का नाम है बिर कोचिंग सेंटर और यही मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर। लेकिन यहाँ पे कुछ भी अगर पूछना है तो मैसेज आप कर सकते हैं, कॉल तो नहीं कर सकते। कॉल मैं किसी का रिसीव नहीं करता हूँ इस नंबर पे। कॉल करने के लिए मेरा दूसरा नंबर है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अंत में बताऊँगा इसके बारे में। तो ध्यान से देखिए, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के नाम देखिए, खिलाड़ी की संख्या और खेल के नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, क्रिकेट में तो क्रिकेट में आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद हॉकी, जो कि भारत के राष्ट्रीय खेल है, हॉकी हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आता है खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है, आप लोग याद रखिएगा, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। ये किसी भी कंपटीशन में पूछता है, बार बार पूछने वाला। कबड्डी, तो कबड्डी में ध्यान रखिए 7, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कबड्डी में कितने लोग 10, 11 या 9 जानते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, कबड्डी के एक पक्ष से 7 खिलाड़ी खेलते हैं और दूसरे पक्ष से 7 खिलाड़ी। पोलो, तो पोलो है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है। ठीक है, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस का मतलब होता है एक से दो खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। देखिए, एक टीम से दो 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 खिलाड़ी भी रहते हैं और एक एक खिलाड़ी भी रह सकते हैं, गेम के अनुसार ये बदला जाता है। बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी एक एक हो सकते हैं, दोनों टीम से एक एक खिलाड़ी या दो दो भी हो सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल, तो फुटबॉल से जान जाइए 11, जो कि भारत में भी खेला जाता है, बहुत लोग जानते हैं फुटबॉल के बारे में। बेसबॉल, बेसबॉल के खिलाड़ियों की संख्या 9 है, याद रखिए, बेसबॉल के खिलाड़ियों की संख्या 9 है। ये ही क्वेश्चन, ये 9 जो बार बार कंपटीशन में पूछता है। बेसबॉल, बेसबॉल किसी को अच्छा से पता नहीं रहता है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 रहता है, याद रखिएगा। वाटर पोलो, वाटर पोलो जो पानी में तैरना रहता है, तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या 7, ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है, याद रखिएगा। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है, यहाँ पे दिया गया है 5। उसके आगे टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होता है। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक होता है, यानी 15 खिलाड़ी एक टीम से खेलते हैं, दूसरे टीम से 15, इन 30 खिलाड़ी हो जाते हैं और उनका अंपायर जो होता है। तो देखिए, ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो मेरे ईमेल अकाउंट पे जाकर मैसेज कर सकते हैं कि हमें चाहिए। तो देखिए, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, इस ईमेल पे जाके मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक शर्त है, आप मैसेज तभी करिएगा जब मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब मुझे पता चल जाएगा और आपको ये PDF फाइल नहीं मिल पाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना होगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना होगा। और वीडियो में कुछ भी कमेंट जरूर कर दीजिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट पूछिए करिए, या कुछ भी राय लेना है तो कमेंट जरूर करिए। और ये अब आपको अच्छा लगा और अपने आपके दोस्त भी पहुँचाना चाहते हैं तो अपने दोस्त के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।